बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम सुल्तान अहमद मस्जिद कर रहे हैं, चैप्टर 7, उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। टेंस कहते हैं, द टेंस एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस हमें फेल का ज़माना बताता है। देयर आर थ्री मेन टेंसेस, पास्ट, माजी, प्रेजेंट हाल और फ्यूचर मुस्तकबिल। Each of these principal tenses is again subdivided into indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. आज हम present perfect continuous के बारे में बात करेंगे। तो अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है। सूरह असर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान सरासर नुकसान में है सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और जिन्होंने आपस में हक की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। तो प्यारे बच्चों, अगर हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं तो फिर अल्लाह की बताई हुई बातों पे भी हमें अमल करना चाहिए। उसके लिए सीधा रास्ता इख्तियार करें, हमेशा सच बोलें और कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसमें एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस टू द प्रेजेंट। अमल माजी में शुरू हुआ लेकिन अभी हाल में जारी है। जैसे अली हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 3 ईयर्स। और दूसरा इसका है, दे हैव बीन क्लीनिंग ऑल डे। अमल माजी में शुरू हुआ और अभी हाल ही में ख़त्म हुआ। एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट एंड रिसेंटली फिनिश्ड। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ हैव, फिर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब मावन वर्ब भी इसको कहते हैं बीन, और फिर मेन वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे फॉर एग्जांपल, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो आप देखें कि सब्जेक्ट ही है, हैज़ बीन और प्ले के साथ आईएनजी, फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो फुटबॉल खेल रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस मददगार फेल जो हाल, और फिर पास्ट पार्टिसिपल, और फिर बेस फॉर्म ऑफ द फेल प्लस आईएनटी। हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। जैसे टू टॉक अबाउट द एक्शन इन प्रोग्रेस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज स्टिल हैपनिंग। एक अमल जो माजी में शुरू हुआ लेकिन हाल में जारी है। जैसे वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक हम बस के इंतज़ार में खड़े हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से बारिश हो रही है। 2 घंटे पहले से बारिश का अमल शुरू हुआ और इट इज़ स्टिल रेनिंग नाउ, और वो बारिश जो है अभी तक जारी है। फिर बार बार किया जाने वाला अमल, रिपीटेड एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट अप टू नाउ Not an action in progress. जैसे Anna has been playing the piano since she was 4, यानी कि वो 4 साल की उम्र से Anna जो है वो piano बजा रही है और अब वो बड़ी हो गई है और वो ये अमल बार बार कर रही है। तो ये भी present continuous perfect में आता है। फिर है an action which ends just before the present, जो बस अभी ख़त्म हुआ है। जैसे I have been swimming, जस्ट आई फिनिश्ड माई स्विमिंग। तो इसमें 2 कीवर्ड्स हैं, फॉर एंड सिंस, जो के एक्शन वर्ब्स के साथ लगते हैं। आई एम टायर्ड नाउ, मैं बहुत थक चुका हूँ। क्यों? बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, मैं भागता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है, नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाई इज द ग्रास वेट, कि अभी घास क्यों गीली है। इसलिए कि हैज इट बीन रेनिंग, क्या इससे पहले बारिश हो रही थी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, यू डोंट अंडरस्टैंड, यानी तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही, कि उससे पहले तुम बात को सुन नहीं रहे थे। Because you have not been listening, तुम बात को सुन नहीं रहे थे। तो इसमें हमने देखा कि आम तौर पे भी हमारे पास 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस,
नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस वालिया जुमले, तो इसमें भी आप देखें दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम सिंस और फॉर का कब इस्तेमाल करें, करेक्ट यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। तो फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे 20 मिनट्स, 30 डेज, 6 मंथ्स, 4 ईयर्स। और जो सिंस है अ पॉइंट इन द पास्ट टाइम व्हेन द एक्शन बिगैन, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स नाउ, यानी कि मैं 2 घंटे से जो है वो रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock, तो ये पास्ट में एक पॉइंट था 9 o'clock, सिंस 9 o'clock। और फिर इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम कितने अरसे से जो है इंग्लिश सीख रहे हो। तो फॉर और सिंस, फॉर जो है वो ड्यूरेशन के लिए और सिंस पॉइंट के लिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।